ओके, तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हो चुका है। जेउसो ने पहली बार रोमन रेंस का नाम लिया आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। एग्जैक्टली भाई, जेउसो चैंपियन बनने के बाद क्या बोले, क्या कुछ सीन हुआ, ब्रॉन ब्रेकर के साथ डब्ल्यू वाले क्या करने वाले, सारा कुछ डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई आज का मंडे नाइट रॉ जैसे स्टार्ट होता है, हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं, ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलते हैं, ब्रॉन स्टोइन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला, मैं आपको बता दूं भाई, कोई नॉर्मल मंडे नाइट रॉ नहीं होने वाला, ये स्पेशल मंडे नाइट होने वाला, इसलिए लास्ट में स्टैंडिंग मैच आज के रॉक ऊपर हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे कमाल के मैचेस देखने को मिलेंगे। और टोटल 11,000 ऑडियंस आज के रॉक ऊपर आया था, रॉक मतलब देखने के लिए। वैसे जे उसको आज के रॉक ऊपर देखने को मिलता है अपने बेटे के साथ, और भाई सबसे पहले डांस वगैरह सारा चीज करते हैं। मेरे ख्याल से भाई जे उसको अभी से अपने बेटे को हाईलाइट करना शुरू कर चुका, क्योंकि भाई ये 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये भी आया। वैसे जिस तरीके से शील्ड अपना एंट्रेंस मंडे नाइट रॉक ऊपर ऑडियंस के बीच में किया करते थे, उसी तरीके से जे उसको आज के रॉक ऊपर किए थे। पूरा का पूरा जो मंडे नाइट रॉ होता है यहाँ पर जे उसको का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। इस बार नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जे उसो देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहले भाई कम से कम आज के रॉक ऊपर 50 बार सबसे पहले ईट बोले होंगे। उसके बाद जे उसो ऑडियंस को 20 बार धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद जे उसो अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं। जे उसो बोलते हैं, मुझे 14 साल इस कंपनी के अंदर आयु हो गया, पर आज तक मैंने एक भी सिंगल टाइटल को विन नहीं किया था, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं था मैं कभी सिंगल टाइटल को विन करूंगा, मैं सिर्फ टैग टीम के लिए बना था। लोग मुझे यही कहते थे कि तुम सिर्फ टैग टीम के लिए बने हो, टैग टीम टाइटल ही तुम कैरी करने वाले। वैसे मैं आपको बताना भूल गया था, जे उसो का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है भाई, उसका कलर चेंज हो चुका है, ब्लू कलर मतलब आ चुका है उसमें। और ये स्पेशली जे उसो ने कस्टमाइज किया अपने लिए, मतलब भाई वो अपने लिए कस्टमाइज किया। उसो उसके बाद बोलते हैं, मेरे भाई को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, रोमन रेंज को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, सारे लोग यहाँ पर डीमोटिवेट करने के पीछे पड़े हुए थे, पर फाइनली मैं उन सबसे अलग गया और मैं पूरा दुनिया को देखा कि मैं कितने काबिल हूं। मेरी माँ जो कि अभी मेरे पास नहीं है, उसको मतलब सबसे ज्यादा भरोसा मेरे ऊपर था, और मैं आज चैंपियन हूं, मैं पूरे दुनिया को दिखा दिया मैं कितने काबिल चैंपियन। वैसे भाई देन इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें रॉक ऊपर हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलता है, वही सेगमेंट के अंदर जहां भाई वो जाकर जे उसो के सामने खड़े हो जाते हैं। भाई ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर क्या करने वाला था ऑलरेडी भाई मुझे आइडिया लग चुका था, ऑलरेडी मैं आपको 2 दिन पहले बता भी चुका था। ब्रॉन ब्रेकर आकर बोलते हैं, देख भाई जे उसो, मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया, मैं तुमको सिर्फ मतलब कांग्रेचुलेशन में करने आया हूँ, देने आया हूँ। आज के कुछ दिन पहले जब मैं चैंपियन रहा था तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे बेस्ट चैंपियन हूँ, और मैं बहुत सारे सपने देखा था इस टाइटल को लेकर, पर तूने मुझे हरा दिया, इसलिए अब करंट टाइम में तुम चैंपियन, और मेरे तरह तुम भी टाइटल को डिफेंस करना, तुम सच में काबिल इंसान हो। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर हाथ मिलाने के लिए जे उसो को ऑफर करते हैं, पहले जे उसो हाथ नहीं मिला तो उस वक्त फिर से वो हाथ मिला लेते हैं। और बेसिकली भाई मैं आपको ऑलरेडी 2 दिन पहले बताया था डब्ल्यू वाले ब्रॉन ब्रेकर का बेफेस स्टैंड करने वाली, इसलिए भाई ये सारा ड्रामा वो कर रही है। तो ब्रॉन ब्रेकर अब आपको एज ए बेफेस रेसलर आपको देखने को मिलने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर उसके बाद अटैक भी नहीं करते हैं जे उसो को। तो भाई आज के रॉक ऊपर जे उसो भाई रोमन रेंस के बारे में एटलीस्ट बात की, मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद उन्होंने रोमन रेंस का नाम लिया, और अब आपको सारा चीज 1 महीना के अंदर आपको जे उसो रोमन रेंस से रिलेटेड आपको सारा चीज देखने को मिलेगा। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा आज के रॉक ऊपर जब जेवियर वुड फाइट कर रहे हैं रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। तो जेवियर वुड वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच भी आज के रॉक ऊपर काफी ज्यादा अनोखा होने वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां डॉमडॉम अपने लिव मॉर्गन द्वारा बात कर रही होती है वहां पर, और तभी फिन वेलर का कॉल आता है, जहां फिन वेलर इस बात को बोलते हैं कि मैं भी करंट में थोड़ा सा मुसीबत में हूं, पर आज के रॉक ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा। तो भाई आज के रॉक ऊपर जजमेंट डे का भी बहुत सारा मैच होने वाला, तो भाई आज का रॉक मतलब बिल्कुल एक एक्सीलेंट रॉ होने वाला। वैसे आज के रॉक ऊपर बाकी जो भी चीज होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करें इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।